नमस्कार। दखल न्यूज के माध्यम से आज मुझे आप सबके समक्ष उपस्थित होने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ रचनाएं लिखी थी, उनमें से एक रचना मैं कहता हूँ। हम मजदूर, हमारा सुख तो एक रोटी में बहुत है। हम मजदूर, हमारा सुख तो एक रोटी में बहुत है। हर सुबह एक नया जंग, हर शाम एक मौत है। हमसे मिलने घर पर आती बेकारी, बीमारी, विरक्तता आते ही हमें गले लगाती। भुखमरी, लाचारी, दरिद्रता, हम सहते दुनिया के दुखड़े। आँखों से बहता पानी रोज है। हर सुबह एक नया जन्म, हर शाम एक मौत है। हमने जब महलों को तराशा, सड़कें नई बनाई हैं। महलों में हम रह ना पाए, किस्मत बड़ी हर जाई है। ऐसे ही दिन रात बीतते, कटता जीवन रोज है। हर सुबह एक नया जन्म, हर शाम एक मौत है। हम मजदूर, हमारा सुख एक रोटी में बहुत है। हर सुबह एक नया जन्म, हर शाम एक मौत है। एक दूसरी रचना है। मेरी आँखों में कोई मंजर समा नहीं पाया। मेरी आँखों में कोई मंजर समा नहीं पाया। उसकी महफिल में मैं जा नहीं पाया। तलाश दिन भर करता रहा काम धंधे की मैं। तलाश दिन भर करता रहा काम धंधे की मैं। अनाज खत्म था, घर ले जा नहीं पाया। मेरे साथ ताउम्र रही मेरी प्रेमिका बनकर। मेरे साथ ताउम्र रही मेरी प्रेमिका बनकर। एक जिद जिसे मैं समझा नहीं पाया। मेरे बच्चों, मेरी मौत का तुम मना लेना। मेरे बच्चों, मेरी मौत का तुम मना लेना। जश्न जिंदगी का मैं मना नहीं पाया। अब मौत को हराने मैं घर पर बैठा हूँ। अब मौत को हराने मैं घर पर बैठा हूँ। लड़ाई ये बाहर कोई लड़ नहीं पाया। मेरी आँखों में कोई मंजर समा नहीं पाया। उसकी महफिल में मैं जा नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।